हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके ले लिए ले लेके आया हूँ ब्लड रिलेशन की आज आज लास्ट क्लास चलिए डिस्कस करते हैं के के इस प्यारे से सेशन में किस टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं तो आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है औरत तो उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है पूछ रहा है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है बुआ सेकंड ऑप्शन है सिस्टर थर्ड ऑप्शन है पुत्री और लास्ट ऑप्शन है माता तो जिस किसी को भी इसका आंसर करना है जल्दी से वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए चलिए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्वेश्चन में बोला था कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसके भाई का पिता यानी कि उस व्यक्ति के भाई का पिता सबसे पहले हम व्यक्ति को बना लेंगे जिसके बारे में वो चर्चा हो रही है यहां आएगा इसका भाई भाई का पिता बोला है तो इसका पिता आएगा यहां पर मेरे दादाजी का एकलोता बेटा है मेरे दादाजी मतलब कि उस महिला के दादा की बात हो रही है वहां पर मेरे दादाजी का एकलोता बेटा है यहां आएगा दादा उस महिला का वो तभी पॉसिबल है एकलोता बेटा है मतलब वो इसी की बेटी होगी फिर इसी व्यक्ति की आपसे पूछ रहा है कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है आपसे पूछ रहा है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन थे फर्स्ट ऑप्शन है बुआ तो इसकी बुआ तो लगेगी नहीं यह ऑप्शन तो आपका गलत हो गया ना ही तो सिस्टर होगी सेम जनरेशन की बात है ही नहीं यहां पर पुत्री भी नहीं आएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर पुत्री डॉटर होगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है औरत के लिए बोला गया है तो इसका सही आंसर पुत्री रहेगा सिस्टर यहां पर इसका आंसर गलत दिया गया सिस्टर तो होएगा ही नहीं क्योंकि सेम जनरेशन में दोनों है नहीं एक सेकंड रुक जाओ जरा <coughs> इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही रहेगा क्योंकि व्यक्ति का रिलेशन बोला इसके साथ व्यक्ति का रिलेशन इसके साथ सही है सिस्टर ही होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा <coughs> एक फोटोग्राफ की ओर देखते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है किंतु इस मनुष्य का पिता मेरे पिता का पुत्तर है वह व्यक्ति किसके फोटोग्राफ को देख रहा था चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे फर्स्ट ऑप्शन है अपने पुत्र का सेकंड ऑप्शन है अपने भतीजे का थर्ड ऑप्शन है अपने पिता का और लास्ट ऑप्शन है अपने स्वयं का तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अब क्वेश्चन था कि एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने कहा व्यक्ति कह रहा है फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है मतलब उस व्यक्ति का कोई भाई या बहन नहीं है किंतु इस मनुष्य का पिता इस मनुष्य का मतलब जो फोटोग्राफ है उसकी बात कर रहा है तो फोटोग्राफ में फोटो की जगह मैंने एफ लिख लिया है ठीक है कि इस मनुष्य का पिता यहां आएगा इसका पिता मेरे पिता का पुत्र है यहां आ जाएगा उस व्यक्ति के पिता व्यक्ति का पिता आएगा यहां पर का पुत्र है मतलब ये इसकी बात हो रही है यहां पर वे व्यक्ति उसकी फोटोग्राफ को देख रहा था अब बताना है कि वो किसकी फोटोग्राफ के बारे में वहां पर बता रहा है तो ये फोटोग्राफ है और ये वाला उसका पिता है तो चलिए आपके पास चार ऑप्शन है बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है अपने पुत्र का पुत्र तो होगा नहीं ठीक है अपने भतीजे का तो भतीजा भी नहीं आएगा यहाँ पर अपने पिता का बिल्कुल सही आंसर है क्योंकि इसका पिता ही तो हुआ ये, इनके बीच का रिलेशनशिप क्या है पिता और पुत्र का रिलेशन है दोनों के बीच का तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने पिता का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आएगा ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री सर ट्वेंटी थ्री आपके सामने ये रहा मैथ्यू ने अपने मित्र साम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस लड़की का पिता मेरे माता का एकलोता पुत्र है वह फोटोग्राफ किसका है आपसे पूछ रहा है वो फोटोग्राफ किसका है ये आपसे पूछ रहा है चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे मैथ्यू की भतीजी का मैथ्यू की माता का थर्ड है मैथ्यू की पुत्री का और लास्ट है मैथ्यू की बहन का जल्दी से ट्राई करिए इस क्वेश्चन को और बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या रहेगा मैथ्यू ने अपने मित्र शाम से एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कहा अब कह किससे शाम से कह रहा है मैथ्यू कि उस लड़की का पिता यानी के एक फोटोग्राफ में जो लड़की है उस वो लड़की है लड़की का फोटोग्राफ है वो ठीक है तो वो लड़की आ गई आपकी फोटोग्राफ वाली फोटोग्राफ में जो है उस लड़की का पिता यहां पर इसका पिता आएगा मेरी माता का पुत्तर है मेरी माता मतलब यहां पर इस ये जो पिता है इस लड़की का उसकी माता आ जाएगी मेरी माता का एकलोता पुत्र है मैथ्यू कह रहा है तो मतलब यही मैथ्यू हुआ कि नहीं हुआ यही मैथ्यू हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो फोटोग्राफ किसका है ये बोल रहा है कि वो फोटोग्राफ किसका तो होगा का तो मैथ्यू की माता भी नहीं आएगी फोटोग्राफ में मैथ्यूज डॉटर मैथ्यू की डॉटर का और लास्ट है मैथ्यू की बहन का तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैथ्यू की डॉटर का यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मैथ्यू की डोटर का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। अब जुड़वा हैं लेकिन क्या है वो नहीं बताया है बाबू की बहन रीमा है रीमा का पति राजन है रघु की मां लक्ष्मी है रघु की मां लक्ष्मी है लक्ष्मी का पति राजेश है तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है आपसे चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे रघु तथा बाबू जुड़वा है रघु तथा बाबू दोनों आपस में जुड़वा है आगे बोल रहा है कि बाबू की बहन रीमा है बाबू की बहन आ गई यहां पर रीमा रीमा का पति राजन है रीमा का पति आ गए यहां पर राजन ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ आगे रघु की मां लक्ष्मी है रघु की मां यहां पर आएगी लक्ष्मी जो कि रघु की मां है आगे बोल रहा है कि लक्ष्मी का पति राजेश है, राजेश आ जाएगा लक्ष्मी का पति ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे तद अनुसार राजेश का राजन से क्या संबंध है ये पूछ रहा है राजेश का राजन से क्या संबंध है ये पूछ रहा है देखो रीमा जो है वो राजेश की पुत्री हुई तो ये इसका दामाद हुआ ठीक है तो राजेश का राजन से क्या संबंध है राजेश मतलब कि राजन से किस प्रकार संबंधित है तो ससुर फादर इन लॉ उसका संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर का सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि शीला रवि की भाभी है शीला यहां पर रवि की भाभी है क्वेश्चन में दिया गया है कि सीला रवि की भाभी है यह कब पॉसिबल था जब शीला का विवाह रवि के भाई के साथ हुआ होता तो यह आ गया रवि का भाई। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में कि राम रवि का भाई है तो राम यहां पर रा आ सकता है पॉसिबिलिटी है जरूरी नहीं है कि ये दो भाई हो सकता तीन भाई हो आगे बोल रहा है और राम की पत्नी शिला है चलो ये बात क्लियर हो गई मतलब इसका भाई राम ही आएगा ये वाला आगे बोल रहा है दीपा रवि की बहन है दीपा रवि की बहन है तो दीपा यहां आ जाएगी आगे बोल रहा है कि दीपा की मां शांति है दीपा की मां शांति है इट मीन वो इन सब की मां होगी शांति आगे बोला तद अनुसार शीला का शांति से क्या संबंध है ये बोल रहा है शीला का संबंध बताना है शांति के साथ चार ऑप्शन ये रहे कि मदर इन लॉ अगर पूछा होता शांति का संबंध सीला से क्या है तो तो आंसर सही होता मदर इन लो तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा डोटर इन लो यानी के पुत्र वधु ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि श्यामा लक श्यामा कहती है कि राजीव के पिता के पिता मेरे पिता हैं तदनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है ये पूछ रहा है क्वेश्चन में चलो करते हैं ये आ गया राजीव ठीक है अब राजीव के पिता यहां आएंगे राजीव के पिता के पिता मतलब इसके भी पिता यहां आ जाएंगे राजीव के पिता के पिता मेरे पिता हैं मेरे पिता हैं मतलब कि यहां आएगी श्यामा इसके पिता तभी कहलाएंगे ये आगे बोला तद अनुसार श्यामा का राजीव से क्या रिश्ता है श्यामा का रिलेशन बताना है आपको राजीव के साथ चार ऑप्शन गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है मां मां तो होगा नहीं सेकंड ऑप्शन है आपके पास पिता की बहन यानी के बुआ ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पिता की बहन बुआ यानी कि इसको आंट भी बोल सकते हैं फादर सिस्टर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन ट्वेंटी सेवन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि तरुण रोहित का पिता है तरुण जो है वो रोहित का पिता है तो रोहित को बना लेंगे सबसे पहले हम यहां ये तरुण आ गया जो कि रोहित का पिता है रोहित कला का भाई है ये बोल रहा है रोहित कला का भाई है क्वेश्चन में दिया गया है कला दिलीप की पत्नी है कला, दिलीप की पत्नी है यह दिया गया क्वेश्चन में आगे वो रहा है कि दिलीप का रोहित से क्या संबंध है है आपको बताना है कि दिलीप का संबंध रोहित से क्या है चार ऑप्शन आपके सामने ये है फर्स्ट ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ यानी कि साला सेकंड ऑप्शन है फादर इन लॉ ससुर ससुर तो होगा नहीं सेम जनरेशन में है ही नहीं ये पुत्र ये भी नहीं होगा और लास्ट है अंकल तो ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रदर इन लॉ इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि बस में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने अपने मित्र से कहा अब एक आदमी अपने मित्र से कह रहा है एक लड़की की ओर इशारा करते हुए वह मेरे पिता की पत्नी तो सबसे पहले क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को ही बना लेते हैं और जो आदमी कह रहा है मैंने उसी आदमी को यहाँ पर बना लेना है सबसे पहले अब आदमी कह रहा है अपने मित्र से कि वो मेरे पिता यानी कि इस आदमी के पिता की बात हो रही है यहां पर की पत्नी मतलब इसकी पत्नी आ जाएगी यहां पर के एकलोते पुत्र की पुत्री है एकलोते पुत्र मतलब अपनी बात कर रहा है वो की पुत्री तो इसकी पुत्री आ जाएगी यहां पर वो जिस लड़की की वो बात कर रहा था अपने मित्र के साथ लड़की उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है पूछ रहा है कि ये लड़की इस आदमी से किस प्रकार संबंधित है चार ऑप्शन आपके सामने हैं। फर्स्ट ऑप्शन है चचेरा यानी कि कजन ये तो होगा नहीं सेकंड ऑप्शन है पुत्री पुत्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा क्वेश्चन दिया गया कि चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा तो अब विजय कह रहा है एक महिला की ओर संकेत करते हुए वह मेरे भाई के मे, वह मेरे भाई मतलब यहाँ पर आएगा यहाँ पर विजय का भाई की बहन के पिता की पुत्री है विजय के भाई की बहन मतलब यहाँ आएगी इसकी बहन के पिता मतलब इनका ही पिता आएगा यहाँ पर इन तीनों का ही पिता होगा वो की पुत्री है मतलब वो अपनी बात कर रही है या इसकी कोई और बहन हो सकती है ठीक है चित्र की महिला का विजय से क्या संबंध है चित्र की महिला का विजय से क्या संबंध है ये पूछ रहा है अगर इन केस वो अपनी बात भी कर रही होगी तो भी उसी की बहन होगी या कोई इसकी और बहन होगी तो भी उसकी बहन ही कहलाएगी चार ऑप्शन है आपके सामने पत्नी पत्नी तो होगा नहीं ऑप्शन ए गलत हो जाएगा माता भी नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों ये सारे के सारे सेम जनरेशन में है थर्ड ऑप्शन है सिस्टर तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा सिस्टर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि राजीव अरुण का भाई है राजीव अरुण का भाई है आगे बोल रहा है कि सोनिया सुनील की बहन है इसके आगे वो रहा है कि अरुण सोनिया का पुत्र है अरुण जो है वो सोनिया का पुत्र है और सोनिया सुनील की बहन है सुनील आएगा यहां पर क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है भाई बहन है क्वेश्चन में दिया है आगे बोल रहा है कि राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है आपको बताना है राजीव का सुनील के साथ क्या संबंध है आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है पुत्र सेकंड ऑप्शन है भाई पुत्र भी नहीं होगा ही तो भाई होगा थर्ड ऑप्शन है फादर तो फादर भी नहीं होगा और लास्ट ऑप्शन है भतीजा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भतीजा क्योंकि राजीव का संबंध बताना है सुनील के साथ ना कि सुनील का संबंध बताना है राजीव के साथ तो इसी हिसाब से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भतीजा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी वन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन में दिया है कि एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की मां के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया लड़क लड़की लड़के की क्या हुई ये पूछ रहा है आपसे है ना तो चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन है बहन सेकंड ऑप्शन है कजिन बहन थर्ड ऑप्शन है साली और लास्ट ऑप्शन है चाची तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर बताए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की मां ठीक है अपनी चाची तो सबसे पहले हम क्या करते हैं लड़के को बना लेते हैं अपनी चाची चाची कब होगी जैसे यहां पर आएगा इस लड़के का पिता और यहां आ जाएगा इस लड़के का चाचा इसकी जो वाइफ आएगी यानी कि लड़के की चाची उसकी बात कर रहा है ये चाची की मां के पुत्र चाची की मां मतलब यहां आएगी चाची की इस की मां मां के पुत्र मतलब कि इसका आएगा इसकी चाची का यहां पर भाई की पुत्री इसकी आ जाएगी यहां पर पुत्री के रूप में दिया आगे बोल रहा है कि लड़की लड़के की क्या हुई इन दोनों के बीच रिलेशन पूछ रहा है कि लड़की जो है वो लड़के से किस प्रकार सुबंधित है ऑप्शन आपके सामने गिवन है फर्स्ट ऑप्शन था बहन तो बहन तो होगा नहीं थर्ड ऑप्शन था साली तो साली भी नहीं होगा लास्ट ऑप्शन था चाची तो ये भी नहीं होगा तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कजिन बहन सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी टू देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है क्वेश्चन आपके सामने है कि एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मेरी पत्नी की भाभी का पुत्र है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो व्यक्ति दिखा रहा है उसी को बना लेते हैं ये आ गया वो व्यक्ति जो दिखा रहा है अपने से आगे एक लड़के को और कहा कि वो मेरी पत्नी मतलब इसकी पत्नी आएगी यहां पर जो व्यक्ति कह रहा है उसकी की भाभी का पुत्र है पत्नी की भाभी यहां आ जाएगी इसकी भाभी मतलब कि इस इसके भाई की वाइफ इस इसकी पत्नी की जो आ, उस भाई होगा उसकी वाइफ आ जाएगी का पुत्र है मतलब यहां आ जाएगा इसका पुत्र आगे बोल रहा है किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं वो व्यक्ति कह रहा है कि किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा मेरे पुत्र मतलब ये अपने अपनी बात अपने पुत्र की बात कर रहा है यहाँ पर मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध होगा मतलब इसका संबंध बताना है आपको इसके साथ ऑप्शन है आपका फर्स्ट भतीजा तो भतीजा तो होगा नहीं दोनों सेम जनरेशन में है चचेरा या मोमेरा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा चचेरा या ममेरा भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री आपके सामने ये रहा क्वेश्चन है कि अरुण ने कहा ये लड़की मेरी माता जी के पोत्र की पत्नी है अरुण लड़की से अरुण लड़की से किस प्रकार सुबंधित है आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने गिवन है दादाजी फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन पति थर्ड ऑप्शन है ससुर और लास्ट ऑप्शन है पिता तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके इस कि इसका आंसर बताइए क्या रहने वाला है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या मतलब इसका सही आंसर क्या रहने वाला है अरुण ने कहा यह लड़की मेरी माता जी सबसे पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में अरुण को ही बना लेंगे यहां पर यह लड़की मेरी माता जी मतलब यहां आएगी इसकी माता के पोत्र की पत्नी है के पोत्र की मतलब ये तभी होगा जब यहां पर अरुण का पुत्र होगा की पत्नी है इसकी वाइफ आएगी यहाँ पर आगे बोल रहा है कि अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है ये बताना है आपको कि अरुण लड़की से किस प्रकार संबंधित है तो इसका सही आंसर क्या रहेगा ऑप्शन नंबर सी यानी के फादर इन लॉ ससुर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि माया ने कहा मेरी माता रंजीत के भाई की बहन है रंजीत का माया से क्या संबंध है आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने है ममेरा भाई पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है मामा तीसरा ऑप्शन है चाचा और लास्ट ऑप्शन है जीजा लास्ट ऑप्शन आपको दिया है जीजा यानी चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या लॉजिक रहेगा इसको करने का अब माया माया ने कहा तो माया को सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे आगे बोल रहा है कि मेरी माता यानी कि माया कह रही है कि मेरी माता तो यहां पर आएगी माया की माता आगे बोल रहा है रंजीत के भाई की बहन है तो यहां हम रंजीत को बना लेंगे रंजीत के भाई की बहन है क्वेश्चन में यह दिया है रंजीत का माया से क्या संबंध है यह बोल रहा है आप रंजीत का संबंध बताना है आपको माया के साथ क्या है सॉरी माया के साथ बताना है माया के साथ क्या संबंध है ऑप्शन आपका यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मैटरनल अंकल यानी के मामा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीणा ने कहा वह मेरे दादाजी के एकलोते पुत्र का पुत्र है यह लड़का बीणा से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है चार ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है उसका चाचा सेकंड ऑप्शन है भाई थर्ड ऑप्शन है चचेरा भाई और लास्ट ऑप्शन है भतीजा तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर क्या रहने वाला है चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का क्या सही लॉजिक रहने वाला है क्वेश्चन है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा अब क्या कौन रहा है बीना कह रही है तो सबसे पहले हम उसी को बना लेते हैं यहां पर वो मेरे दादाजी यहां पर आएगा इसका पिता और यहां पर आएगा इसका दादाजी एकलोते पुत्र मतलब अपने पिता की बात हो रही है वहां पर उसके का पुत्र है पुत्र यहां आ जाएगा फिर इसका क्वेश्चन के हिसाब से ये लड़का बीणा से किस प्रकार संबंधित है लड़के का रिलेशन बताना है बीना के साथ क्या है तो इसका भाई होगा ये यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए अतिथियों को परिचय करवा रहा है थर्ड पर्सन किसका आशा का भास्कर ने कहा अब भास्कर कह रहा है कि उसके पिता मेरे पिता के एकलोते पुत्र हैं। आशा का भास्कर से किस प्रकार संबंध है मतलब उनके बीच संबंध बताना है क्या है ऑप्शन आपके सामने है भतीजा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है पुत्री थर्ड ऑप्शन है माता और लास्ट ऑप्शन है पुत्री लास्ट ऑप्शन है पुत्री तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे क्या लॉजिक रहेगा इस क्वेश्चन को करने का अब भास्कर कह रहा है कि उसके पिता यानी उस आशा के पिता तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आशा को बना लेते हैं पर पर उसके पिता यहां पर आएंगे आशा के पिता मेरे पिता के एकलोते पुत्र है मेरे पिता के एकलोते पुत्र है यहां पर आएगा इसका पिता और ये अपनी ही बात कर रहा है वहां पर अपनी ही बात कर रहा है ये मेरे पिता के एकलोते पुत्र है मतलब अकेला यही है उसका आगे वो रहा कि आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है तो यहां पर यही भास्कर है आपका आशा भास्कर से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है तो उसकी पुत्री हुई आशा तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा अब अमित कह रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अमित को ही यहां पर बना लेंगे वह मेरी पत्नी के पिता की बहन है मेरी पत्नी यहां पर आ जाएगी वह मेरी पत्नी के पिता की बहन यहां पर आ जाएगी मेरी पत्नी के पिता सॉरी मेरी पत्नी के पिता नहीं यहां पर पति है मतलब वो अपनी ही बात कर रहा है मेरी पत्नी के पति की बहन मतलब यहां पर आ जाएगी अमित की बहन अमित की बहन आ जाएगी यहां पर उस महिला का अमित से क्या संबंध है आपको बताना है चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे फर्स्ट ऑप्शन है पुत्री तो पुत्री तो होगा ही नहीं सेकंड ऑप्शन ऑप्शन है sister, है सिस्टर थर्ड पत्नी लास्ट ऑप्शन है भतीजी ये भी नहीं होगा क्योंकि सेम जनरेशन की बात हो रही है अब बच गए ऑप्शन नंबर बी और सी इसी में से एक सही आंसर है तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है बी या सी में से जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपको बोल रहा है क्वेश्चन में कि उस महिला का यानी कि इसका अमित से क्या संबंध है आपको बता रहा है तो इसकी ये बहन हुई ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टी एट आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा अब कह कौन रहा है महिला कह रही है एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माता मेरी माता की एकलोती पुत्री है महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है आपको बताना है चार ऑप्शन में से फर्स्ट ऑप्शन है माता सेकंड ऑप्शन है पुत्री थर्ड ऑप्शन है बहन और लास्ट ऑप्शन है चाची तो जल्दी से इसका सही आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा कमेंट करके चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कह कौन रहा है महिला कह रही है आदमी की ओर इशारा करते हुए कि उसकी माता यानी कि उस आदमी की माता यहां पर आदमी को ड्रॉ कर लेते हैं उसकी माता तो यहां पर आ जाएगी इस आदमी की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है मेरी माता यानी कि यहां आएगी उस आदमी की माता मेरी माता की एकलौती पुत्री है मेरी माता की एकलौती पुत्री है मतलब वो अपनी ही बात कर रही है क्वेश्चन में ठीक है आगे बोल रहा है कि महिला उस आदमी से किस प्रकार सुबंधित है ये पूछ रहा है आपसे कि ये महिला ये महिला आपकी यहां आएगी ये महिला उस आदमी से किस प्रकार सुबंधित है तो वो महिला उसकी मदर हुई यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये रहा विनोद की ओर इशारा करते हुए राधा ने कहा अब राधा कह रही है कि उसकी बहन यानी कि विनोद की बहन तो विनोद को ही बना लेते हैं यहां पर हम ये आ गया विनोद और ये आ गई इसकी बहन कि उसकी बहन मेरी माता या मेरी माँ की एकमात्र बेटी है मेरी माँ यानी कि राधा की ठीक है कह क्या रही है कि उसकी बहन यानी के विनोद की बहन मेरी मां की एकमात्र बेटी है अपनी बात कर रही है मतलब ये राधा का विनोद से क्या संबंध है आपको बताना है राधा का विनोद से क्या संबंध है आपको बताना है चार ऑप्शन ये रहे फर्स्ट ऑप्शन है चचेरी बहन सेकंड ऑप्शन है डॉटर यानी के पुत्री थर्ड ऑप्शन है मां लास्ट ऑप्शन है आपके पास बहन यानी सिस्टर तो यही राधा होगी क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताना है कि राधा विनोद से किस प्रकार संबंधित है डेफिनेटली उसकी ही लगेगी यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा क्वेश्चन दिया है कि फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि इसके भाई के पिता यानी कि जो फोटोग्राफ में एक पुरुष है फोटोग्राफ में एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए पुरुष की ओर इशारा कर रही है वो महिला तो सबसे पहले हम उस पुरुष को ही यहां पर बना लेते हैं पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा इसके भाई यानी कि इस पुरुष ये जो पुरुष है इसके भाई के पिता यहां आ जाएंगे मेरे दादाजी के एकलोते पुत्र है मेरे दादाजी के एकलोते पुत्र है यहां आ जाएगा इसका दादाजी के एकलोते पुत्र है मतलब कि इस, इसी की बात कर रहे हैं ये ठीक है कि इसके भाई के पिता मेरे दादाजी के एकलोते पुत्र है मतलब महिला क्या होगी इसी की बेटी होगी वो तभी इसका दादा लगेगा ये आगे बोल रहा है कि महिला फोटोग्राफ वाले पुरुष से किस प्रकार संबंधित है ये महिला इस फोटोग्राफ वाले आदमी से किस प्रकार संबंधित है आपसे पूछ रहा है चार ऑप्शन थे फर्स्ट में था इसका पुत्री ये तो होगा नहीं क्योंकि सेम जनरेशन में है माता भी नहीं होगा ना ही तो चाची होगा आंट, आंट भी नहीं होगा मतलब लास्ट ऑप्शन है सिस्टर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तो आज के सेशन में आपके लिए मैं इतने ही क्वेश्चन लेके आया था अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक like, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद